नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर तक की गई स्थगित। मुंबई में आतंकी हमले की धमकी, एनआईए को भेजा गया मेल। कांग्रेस का 6 फरवरी को देश भर में प्रदर्शन, एलआईसी और एसबीआई बैंक के सामने जुटेंगे सभी कार्यकर्ता। अमूल ने दूध के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए, 3 फरवरी से लागू हुई नई दरें। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई। 9वीं वंदे भारत ट्रेन टेस्टिंग के लिए पहुंची मुंबई। राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की मिली धमकी, अज्ञात युवक ने मोबाइल के जरिए दी ये धमकी। नागपुर में हथियार और बारूद सप्लाई करने वाली सोलार इंडस्ट्रीज का डाटा हुआ हैक। नेक्स्ट जनरेशन की राह हुई आसान, सुपर रिच को राहत और रिटायर होने वाले हुए खुश। और बांग्लादेश टेरर अटैक पर बनी फिल्म फराज आज होगी रिलीज, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की मांग।